आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में, ग्लैडर के भी जब पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहाँ पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। आदित्यनाथ योगी जो चीफ मिनिस्टर यूपी हैं, इन्होंने ये कहा कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। ये माफिया पेशावर अपराधी आखिर इनको किसने पाला पोसा है, योगी ने कहा। आइए सुनते हैं तफसीलात। कल प्रयागराज की घटना अत्यंत तो दुखद है और इस घटना का जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। वो तो आप जानते हैं कि कार्रवाई जब होती है तो यहां पे बहुत तरीके से कार्रवाई होती है, लेकिन ये माफिया, ये पेशेवर अपराधी आखिर किसके द्वारा पाले पोसे गए हैं और क्यों इतनी परेशानी हो रही है मान्य हमारे नेता विरोधी दल को? चोरों के जो है हित ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं या चाटुकार जन की सेवा लेते हैं, यह पाप उन्हीं का है। ये जो उत्तर प्रदेश की जनता को, 25 करोड़ जनता को पहचान का संकट खड़ा हुआ, इन्हीं पेशेवर माफिया और अपराधियों के कारण हुआ है जो सत्ता के द्वारा पोषित होते थे, जिन्हें महिमा मंडित करके ये लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे, जिन पेशेवर माफिया और अपराधियों के सामने सत्ता नतमस्तक होती थी। और आज उत्तर प्रदेश भी इस बात को जान रहा है और देश और दुनिया भी जान रहा है, उन पेशेवर माफिया और अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई चली है वह एक नजीर भी बनी है। और फिर मैंने कहा है तो इसमें हम सूची भी जारी करेंगे, मैं आ रहा हूं आज हम कर रहे हैं, आज उस पर पूरी चर्चा में भाग लूंगा। और मैं तो इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा माननीय अध्यक्ष जी को कि उन्होंने मुझे आज के दिन दिया है। मुझे लगता है और कोई बिजनेस नहीं होगा तो इस बिजनेस को थोड़ा आज इसी पे चर्चा हो जाए, इसी पे आज चर्चा करा ही लिए जाए। महोदय, जब हम इस बात को कह रहे हैं, वास्तव में राज्यपाल महोदय ने जो यहां पर अपना अभिभाषण दिया था, दो कारण से, संवैधानिक प्रमुख होने के नाते और एक मातृशक्ति की प्रतीक होने के नाते इतना सम्मान तो होना ही चाहिए था। हम बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन सदन में राज्यपाल महोदय आ रही हैं सदन को संबोधित करने के लिए, आपको तो मौका मिलना ही है, आप अपनी बात को सहमति और असहमति के लिए सदन है, लेकिन हम विरोध करें, गो बैक के नारे लगाएं, अशिष्ट और असंसदीय आचरण करें, यह सदन की गरिमा को तार तार करता है। दूसरा, मातृशक्ति की प्रतीक एक महिला राज्यपाल के द्वारा सदन को संबोधित किया जा रहा हो, हमारे लिए तो गौरव की बात होनी चाहिए, हर्ष की बात होनी चाहिए। उस समय नारे लगा करके पूरे सदन की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास हो, देश के अंदर किस प्रकार का संदेश हम देना चाहते हैं, किस प्रकार का संसदीय आचरण है, किस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, फिर किन संसदीय परंपराओं की बात कर रहे हैं,
वह दृश्य भी हम सब ने देखा, जो एक महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख का सम्मान नहीं कर सकते, माने और उनसे ये उम्मीद करना कि वो प्रदेश की आधी आबादी का सम्मान करेंगे, ये तो उनके शासन काल के समय हुआ ही था जब स्टेट गेस्ट हाउस की घटना घटित हुई थी। आचरण तो उनका उस समय भी सामने आया था, लड़के हैं गलती कर देते हैं, ऐसे भी बयान आए थे। ऐसे ही अन्य तमाम वक्तव्य उस समय आए थे। महोदय, वे लोग लोकतंत्र की बात करें, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि किसके गुरु हैं, यानी यह गुरु किसके हैं। यह बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और महोदय, मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, ये लोग प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं, हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए, तो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में, ग्लैडर के भी जब पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहाँ पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्त की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुर एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।